बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी। और मैं हूं आपके साथ नेहा। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा डे 2 है। डे 1 में मैं ऑलरेडी आपको एपी की इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और उससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोगों का जो सेशन स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। डे 2 है एपी का। जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है वो प्रीवियसली जाकर सीड एकेडमी की वीडियोस में देख सकता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डे 1 का और आप जाकर वहां पर पहले इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा गिवन है कि ए बी सी डी एंड ई एक नंबर्स है, टर्म्स है जो एपी की फॉर्म में है। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि ये जो टर्म्स है वो एपी की फॉर्म में है और हमें फाइंड आउट करना है कि a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e की वैल्यू क्या होगी। तो इन दैट केस आपको पता है कि जब एपी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि डिफरेंस जो होता है उनकी टर्म्स का। अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, मतलब बड़ी वाली पीछे वाले टर्म में से अगर आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं और सबका डिफरेंस सेम रहता है तो वो टर्म आपकी एपी में कहलाती है, वो कहलाती है एपी सीरीज। तो यहाँ पर ऑलरेडी एपी सीरीज गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लेती हूँ कि लेट बी द डिफरेंस या बोल सकते हैं लेट बी दी कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन है सब में वो आपका क्या है, के है। ठीक है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस रहेगा सब में वो क्या रहेगा, के रहेगा। तो जो हमारी ए टर्म है वो आपकी ए तो ए ही होगी। ठीक है, जो बी होगी वो क्या होगी, ए प्लस के हो जाएगी क्योंकि डिफरेंस इसमें प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपकी सी जो होगी वो a प्लस 2k हो जाएगी, जो d होगी बेटा वो a प्लस 3k हो जाएगी, जो e होगी वो a प्लस 4k हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर हमने एक जो वैल्यूज है वो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को लेके पूरा टर्म्स बना दिया। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई है कि जो b है वो a प्लस k के बराबर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a तो हमारा a ही टर्म रहेगा माइनस 4, b हमारा किसके बराबर है, a प्लस k के बराबर है। यहाँ पर जो c है वो आपका a प्लस 2k के बराबर है और जो आपका d है वो a प्लस 3k के बराबर है और जो e है आपका a प्लस 4k के बराबर है। होपफुली क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप a माइनस 4a माइनस 4k प्लस 6a प्लस 12k माइनस 4a माइनस 12k प्लस a प्लस 4k। मैंने यहाँ पर सारा खोल दिया है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट ऑफ किए हैं, 4 को इंटू किया है, यहाँ पर 4a प्लस 4k होना चाहिए था लेकिन बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस 4k हो गया। प्लस 6a प्लस 6a प्लस 6 2 12k माइनस 4a माइनस 4 3 12k प्लस a प्लस 4k। तो यहाँ पर हमारा खुल के यहाँ पर ये आ गया है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि 12k जो है वो प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है ये आपका कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका माइनस 4k है ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर ये भी आपका कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आप देखते हो कि जो प्लस की टर्म्स है ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाता है 8a जो है वो आपका पॉजिटिव है और उसके साथ माइनस 4a माइनस 4a तो मतलब माइनस 8a तो यहाँ पर 8a माइनस 8a आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपको टर्म्स दी हुई है और इसकी अगर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। होपफुली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। इसके
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बेटा एक टर्म दी हुई है और बोला हुआ है कि इसकी बाकी एपीस की टर्म्स को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी की बुक में। यहाँ पर आपको 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ये 5 क्वेश्चन है। उसने जो आपको ए दिया है वो 1.25 है और जो डी दिया हुआ है उसने बोला है कि जो डी है वो -1.25 है। यहाँ पर आपका जो डी है वो आपका क्या है? डी जो है आपका -0.25 है। तो इन दैट कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है तो ए तो हमारा ए ही रहता है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सॉरी 1.25 हो जाती है। जो बी होगा हमारा जो सेकेंड टर्म होता है उसको हम लिखते हैं ए प्लस के बोलते हैं। अगर जो डिफरेंस होता है के लिख सकते हैं या आप डी भी लिख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये कितने बराबर हो जाता है? 1.25 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी ये लेके चल रहा है अपना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है -0.25 जो 1 के बराबर हो जाता है। उसके बाद थर्ड टर्म आती है आपकी 1 + 2d होती है। तो ये 1.25 माइनस 2 × 0.25 होता है जो आपका 1.25 माइनस 0.50 के बराबर होता है और आप इसको लिख सकते हैं 0.75। और d जो है आपका होता है 1 + 3d लिख सकते हैं क्योंकि सेम डिफरेंस है 1.25 माइनस 3 0.25 जिसको आप लिख सकते हैं 1.25 माइनस 0.75 जो आपका बराबर होता है 0.50 के। तो अगर एपी की बात करें तो एपी की जो टर्म्स निकलती है वो आपकी निकलती है ये डिसेंडिंग फॉर्म में निकलती है क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका नेगेटिव में है। अगर कहीं पर भी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव में आता है तो आपको समझ जाना है कि वहां पर जो है आपकी जो टर्म्स है एपी की वो डिसेंडिंग फॉर्म में है। तो यहाँ पर एपी आपका ए जो है आपका 1.25, बी आपका 1 हो जाता है, उसके बाद सेकेंड टर्म आपकी, थर्ड टर्म आपकी 0.75 और आपकी फोर्थ टर्म 0.4550 हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन बच्चों ने भी प्लीज मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी सेशन अपना मिस ना करें। तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये बोलता है कि 3 टर्म्स हम लोगों के पास है जो एपी के अंदर है और उसका समेशन जो है वो आपका क्या है 24 है। वो ये बोलता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 टर्म्स हमारी है जो एपी के अंदर है और उन तीनों का टोटल जो है वो आपका 24 है और आपको जो मिडल टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग लेट करते हैं कि बेटा जो हमारी टर्म्स होंगी, पहली टर्म्स में मैं लेती हूँ ए माइनस डी, दूसरा मैं लेती हूँ ए और तीसरा मैं लेती हूँ ए प्लस डी इन केस ऑफ 3 टर्म्स। तो आप हमेशा यही लेट करेंगे जिससे आप इजीली करें। आप यहाँ बोल भी सकते हैं कि मैम आपने a प्लस डी और a प्लस 2d क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास 2 वेरिएबल हो जाता और यहाँ पर फिर हमें 2 इक्वेशन ऐसी चाहिए होती जिससे वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, कर नहीं पाते हम लोग। तो यहाँ पर आप यही फाइंड आउट करने के लिए लेट करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोलता है कि अगर इन तीनों टर्म्स को प्लस कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है? वो बराबर होता है आपका 24 के। तो यहाँ पर d से d कैंसिल हो जाता है। अभी आपको समझ में आया कि मैंने एक पहले वाली टर्म क्यों ली थी, तो यहाँ पर हो जाता है और ये हो जाता है 3a = 24। तो यहाँ पर a हो जाता है आपका 8। तो पहली टर्म हमारी क्या आ जाती है? मिडल टर्म, या पहली टर्म नहीं बोलेंगे, मिडल टर्म जो है हमारी क्या है? 8 हो जाती है। और यहाँ पर आपकी जो मिडल टर्म ही है वही पूछी गई है कि अगर सीक्वेंस है तो आपको उसकी मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाकी टर्म्स को भी फाइंड आउट यहाँ से बड़े इजिली कर सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप उसको ए प्लस डी और उसमें भी निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।
कीप वॉचिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।